गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारी ऑनलाइन क्लासेस में हमारा टॉपिक चल रहा था प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन टॉपिक में अब तक हमने जो है अपनी 25 प्रीपोजिशंस पढ़ ली हैं। आज हम अपनी 26 नंबर के प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, ऑफ। देखो बच्चों, ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला यूज जो है, देखिए इसका, इंडिकेटिंग कनेक्शन और रिलेशन। जब हम किसी भी चीज़ से कनेक्शन या फिर रिलेशन किसी चीज़ का इंडिकेट करते हैं, इंगित करते हैं, बताते हैं या दर्शाते हैं, तो हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ को यूज़ में लेते हैं। द लेग्स ऑफ द चेयर आर ब्रोकन। द लेग्स ऑफ द चेयर आर ब्रोकन। चेयर की टांगें जो हैं टूट गई हैं। रोहित इज़ अ मेम्बर ऑफ योर फैमिली। रोहित तुम्हारी फैमिली का एक मेम्बर है। ओके, दिस इज, दीज आर द प्रीपोजिशन इंडिकेटिंग कनेक्शन और रिलेशन। ये वो प्रीपोजिशन है जो कि क्या कर रही हैं, आपको कनेक्शन या फिर रिलेशन इंडिकेट करती हैं। नेक्स्ट है इंडिकेटिंग पार्टीशन और कंक्लूजन। जब भी हम किसी पार्टीशन की बात करें या किसी निष्कर्ष के बारे में बात करें, तो भी हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ को यूज़ करते हैं। प्लीज़ गिव मी अ पीस ऑफ पेपर। कृपया मुझे एक पीस ऑफ पेपर दे दीजिए। He has read hundred of books so far. अब तक वो जो है सैकड़ों किताबें पढ़ चुका है। Next, suggesting reason or cause. कारण बताने के लिए भी हम क्या करते हैं, preposition of को use करते हैं। He died of cancer. वह cancer से मर गया। The patient died of cholera. patient जो है वो cholera से मर गया। The rabbit tired of running fast. rabbit ने जो है खूब तेज दौड़ने की कोशिश की। नेक्स्ट, विद द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे दिए गए वर्ड्स जो हैं इनके साथ भी हम प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ करते हैं, जैसे कि प्राउड ऑफ, एफ्रेड ऑफ, फंड ऑफ, टायर्ड ऑफ, अशेम्ड ऑफ, जेलस ऑफ एट्सेट्रा। इन सभी वर्ड्स के साथ हम प्रीपोजिशन ऑफ ही यूज़ करते हैं। जैसे देखो, ही एफ्रेड ऑफ रेट्स। रवि इज़ फंड ऑफ स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। ओके, नेक्स्ट, इंडिकेटिंग मटेरियल यूज बट नॉट चेंज। जब हम किसी मटेरियल को यूज़ करते हैं लेकिन वो बदलता नहीं है, तो भी हम क्या करते हैं, ऑफ प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। द चेयर इज़ मेड ऑफ वुड। कुर्सी जो है किससे बनी हुई है, वुड से बनी हुई है, लेकिन वुड, लकड़ी जो है क्या है, उसमें भी अभी भी लकड़ी ही है। दिस हाउस इज़ बिल्ट ऑफ स्टोन। ये हाउस जो है, ये घर जो है वो पत्थर से बना हुआ है, लेकिन वो पत्थर जो है वो अभी भी क्या है, पत्थर ही। विथ मेज़रमेंट डायरेक्शन एंड एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। जब भी हम कभी मेज़रमेंट की, डायरेक्शन की या टाइम एक्सप्रेस करने की बात करते हैं, तो भी हम प्रीपोजिशन ऑफ यूज़ करते हैं। सी इज़ अ गर्ल ऑफ 12। वह जो है 12 वर्ष की लड़की है। आई बॉट 2 किलोग्राम्स ऑफ शुगर। मैंने 2 किलो चीनी खरीदी। वाइल ऑफ इज़ यूज टू अपोजिट ऑफ ऑन। और अगर हमारे पास वर्ड हो ओ डबल एफ ऑफ। देखो, एक था ओ एफ, ये प्रीपोजिशन था, और जबकि ऑफ जो है हम किसके लिए करते हैं, ऑन के अपोजिट के लिए यूज़ करते हैं। दे आर ऑफ ड्यूटी नाउ। अब वो ड्यूटी से हट चुके हैं। द डॉग जंप ऑफ द रूफ। कुत्ते ने जो है छत के ऊपर से छलांग लगाई। तो बच्चों देखो, ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ हमने कहाँ कहाँ किया, इंडिकेटिंग कनेक्शन और रिलेशंस, इंडिकेटिंग पार्टीशन और कंक्लूजन्स, सजेस्टिंग रीजन और कॉज, विद द फॉलोइंग वर्ड्स जैसे कि प्राउड ऑफ, एफ्रेड ऑफ, फंड ऑफ, टायर्ड ऑफ, अशेम्ड ऑफ, जेलस ऑफ एट्सेट्रा, इंडिकेटिंग मटेरियल यूज बट नॉट चेंज, एंड विद मेजरमेंट डायरेक्शन एंड एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। ओके बच्चों, तो हम प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ यहाँ पर करते हैं। कल जो है हम अपनी नेक्स्ट प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।